नमस्कार, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक से सांसद और एक बार फिर ताल ठोक रहे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सवालों पर आते हैं सर, आपका भी काफ़ी व्यस्त समय है और कम ही समय हमें मिला है। सवाल सबसे पहला ये है कि सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर, तीन बार सांसद बन चुके हैं और एक बार फिर आप दावा कर रहे हैं कि आप ही सांसद बनेंगे, क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो दो तीन चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ। पहली बात तो लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरा व्यवहार देखा है। बचपन से लेकर आज तक मैं इसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में, इसी परिवार के बीच में पला बड़ा हूँ। और जब मेरी जिम्मेदारी लगी थी, मैं अमेरिका से वापस आया था आज से 14 साल पहले, मैंने उस जिम्मेदारी को सच्ची नीयत से, ईमानदारी से, लगन से निभाने के प्रयास किए हैं। मेरे प्रयास रहे हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकसित हो और विकास के मामले में पूरे भारत के मानचित्र पर ये लोकसभा क्षेत्र पहुँचे। मेरे प्रयास रहे हैं कि हम इस तरह से बात मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में रोहतक की रखूं कि रोहतक की पगड़ी वहाँ पे ऊपर जाए। जो लोगों ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है उसमें मैं पूरा उतरूँ और सबका मान सम्मान रख के मैंने हमेशा चलने का काम किया है। कोई भी मेरे पास आया, मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में आज तक कभी किसी का ना गांव पूछा, ना धर्म पूछा, ना जाति पूछी। अपने लोकसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को मैंने अपना परिवार और परिवार का मान के मैंने अपनी तरफ से सच्चे मन से उनके लिए प्रयास किए हैं और इन बातों को लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। दूसरा जो एक राजनीतिक, ये तो है मेरा जो स्वयं का दूसरा कारण, राजनीतिक कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रोहतक प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिस प्रकार से पूरी बीजेपी केंद्र से लेके और राज्य की बीजेपी ने इस सीट को और मेरे को टारगेट बनाया हुआ है, वो बात स्पष्ट है। उसके पीछे राजनीति में लोगों को समझाता हूँ जब मैं जाता हूँ, और राजनीति ये है कि ये केवल एक सांसद का चुनाव नहीं है। सांसद तो 550 बनेंगे, 80-80 सांसद भी बनेंगे एक एक प्रदेश से, हरियाणा में तो 10 ही सांसद बनते हैं, मगर ये हरियाणा की राजनीति के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। ये जो 6 महीने बाद विधानसभा आएगी उसके रुख को तय करने वाला चुनाव है। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एहसास है इस बात का कि अगर यहाँ से बड़े बहुमत से अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है और हम जीतते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको चुनौती देने का काम हम करेंगे जी। और ये बात मैं समझता हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को समझ में आ रही है कि अगर हरियाणा को बीजेपी की झूठ की और फूट की राजनीति के चुंगल से बचाना है तो उसकी शुरुआत रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को हरा के होगी। मैं शुरुआत से आऊँगा सर, जब आपने शुरुआत की कि आपने काम किए हैं इलाके के लिए, काम ही जानना चाहते हैं सर, क्या काम किए हैं जिनको आप जाके बता रहे हैं या बताना पड़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से मेरे प्रयास रहे, खास तौर पे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योगिकरण हो। जब 2005 से पहले मैं हम लोग स्टूडेंट थे, जाते थे, देखते थे कि दिल्ली के एक ओर तो नोएडा, दूसरी तरफ गुड़गांव, इस तरफ पूरा हरियाणा बसता है, मगर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, भिवानी, आगे हिसार तक, मगर उस तरफ हम देखते थे कि नोएडा और गुड़गांव में 4 लेन सड़कें दिखाई देती थी, बड़े बड़े उद्योग दिखाई देते थे, इमारतें दिखाई देती थी, मगर जो वेस्ट साइड का हरियाणा था, जिसमें रोहतक लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली से छटा हुआ है, इस तरफ एक पिछड़ापन दिखाई देता था। एक भी 4 लेन 2005 से पहले रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं था। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी और ये प्रयास किया कि दिल्ली के नज़दीकी का फ़ायदा उठ के ये लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में आगे आए। मैं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, जो मैं लोगों के बीच में जो काम के उदाहरण लेके जाता हूँ। पहला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हुड्डा सरकार थी, हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 1,080 किलोमीटर के 4 लेन और 6 लेन नेशनल हाईवे बाईपासिस पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक जाल बिछाई गई, 1,080 किलोमीटर के, और 1,250 किलोमीटर के NCR प्लानिंग बोर्ड की, दोनों भारत सरकार से मैं बता रहा हूँ, आरोप हम पे क्षेत्रवाद के लगते रहे प्रदेश सरकार से, मगर ये मैं भारत सरकार से बता रहा हूँ जो मैंने अपने इंडिविजुअल एफर्ट से, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर करा के मैं लेके आया, और इनका फलाभ पूरे हरियाणा का हुआ। अगर रोहतक से डब्वाली तक की अगर 4 लेन की सड़क है तो हरियाणा को जोड़ने का काम करेगी। अगर रोहतक से पानीपत तक की सड़क है, रोहतक से रेवाड़ी तक की सड़क है, रोहतक से जींद पंजाब बॉर्डर तक की सड़क है, ये तमाम सड़कों का मैंने मंजूर कराने का काम किया।
इसी तरीके से 1250 किलोमीटर की NCR प्लानिंग बोर्ड की सड़कें, इस बनाम 5 साल की खट्टर सरकार में एक इंच का नया नेशनल हाईवे नोटिफाई नहीं हुआ, एक इंच का NCR प्लानिंग बोर्ड की कोई सड़क नहीं आई। इसी प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र, अपने कार्यकाल में 48 शिक्षा के, उच्च शिक्षा के और कॉलेज एजुकेशन के संस्थान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मैं स्थापित करवाने में मेरे को सफलता मिली, 48 जिसमें एम्स से लेकर जो देश का दूसरा एम्स का स्थापना हुई, एम्स 2, उसका फैसला हुआ वो झज्जर बाड़सा में आया, IIM रोहतक में आया, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस वो बाड़सा के अंदर आया, इसी तरीके से फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कई यूनिवर्सिटीज़, पंडित भगवतदयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी जो रोहतक में आई, 18 कॉलेज, 18 ITI, 2 केंद्रीय विद्यालय और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल मिला के 48 शिक्षा के कॉलेज, ITI और यूनिवर्सिटी तक शिक्षा के 48 ऐसे संस्थान, और जिसमें भारत सरकार के 8-9 सर्वोच्चतम संस्थान शामिल हैं जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हम स्थापित करवा पाए। दुर्भाग्य ये है, मैं नहीं कहता खट्टर सरकार में 48 होने चाहिए थे, मगर पिछले 5 वर्ष में एक किसी कॉलेज में एक कमरा भी सेंक्शन होके पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया। ये शिक्षा की बात हुई। तीसरा, स्वास्थ्य, एम्स बाड़सा से लेकर और गाँव की CHC और PHC तक 68 अस्पताल गाँव में, शहर में कुल मिला के 68 अस्पतालों की स्थापना हुई पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, बनाम खट्टर सरकार के समय BJP सरकार में 5 साल में एक अस्पताल इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं आया। चौथा, रेल की लाइन, 230 किलोमीटर की रेल की लाइन मैंने मंजूर कराई अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें रोहतक झज्जर रेवाड़ी, रोहतक महमहासी और एक मेट्रो लाइन बहादुरगढ़ साखोल तक, बहादुरगढ़ के अंदर एक मेट्रो लाइन को लेकर आने के में मुझे सफलता मिली। दुर्भाग्य ये है, 5 साल की किस खट्टर सरकार, BJP सरकार में और केंद्र की सरकार में एक इंच नई रेल की लाइन या एक खंबा मेट्रो का नया कोई मंजूर नहीं हुआ। छठा उदाहरण, जो उद्योगिकरण है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र था ये उद्योग से वंचित था, और ये यहाँ पे उद्योगिकरण जब बढ़ेगा तो पूरा हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा, केवल इस क्षेत्र की बात नहीं। जैसे गुड़गांव से उद्योगिकरण बढ़ता गुड़गांव से बावल, रेवाड़ी, नीमराना, जयपुर तक पूरा औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप हो चुका है। उद्योगिकरण के नज़रिए से 3 बड़े औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई हमारे कार्यकाल में, जिसमें IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ बाईपास से निकलते हैं तो उसको देखते होंगे, और SEZ रिलायंस का SEZ झज्जर के अंदर, जिनके अंदर 30 बड़े उद्योग और 7300 छोटी यूनिट। बड़े उद्योगों में एशियन पेंट, मारुति, सुजुकी मोटरसाइकिल, अमूल, निपोन कार्बाइड, रोहतक IMT के अंदर ये सारी बड़ी इंडस्ट्री आई आ पाई। भादुगढ़ के अंदर योकोहामा आई, तो झज्जर के अंदर पैनासोनिक और डेंसो आई, और दूसरी ओर NTPC का थर्मल का प्लांट झाड़ली झज्जर के अंदर, CLP का थर्मल का प्लांट और JK लक्ष्मी सहित 4 बड़े सीमेंट की फैक्ट्रियां झज्जर के अंदर स्थापित हुई। ये तमाम जो 30 बड़े उद्योग और 7300 छोटी यूनिट आई, ये रोजगार का स्रोत के रूप में ये पूरे हरियाणा वासियों के लिए, खास तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए उपलब्ध है। दुर्भाग्य ये है, BJP ने बात करी 2 करोड़ नौकरी की, मगर चुनाव प्रचार में निकलने से पहले जब मैंने RTI मांगी कि कितने उद्योग, नया निवेश, नए उद्योग लाइसेंस मिले और कितने लगे पिछले 5 साल में, तो आपको इस बात पर आश्चर्य होगा महेंद्र जी कि 5 साल में एक भी बड़ा उद्योग, नया एक भी फैक्ट्री रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं आई, और 35 छोटी यूनिट, जो हमारे समय 7300 छोटी यूनिट्स थी, केवल 35 छोटी यूनिट्स जो है पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आ पाई। मैं इसीलिए इन बातों को लेकर लोगों को RTI में जानकारी मिली, और वैसे भी आपको स्पष्ट रूप से दिखता है जितनी रोहतक IMT के अंदर, जितनी IMT हमारे समय भर गई थी, जितनी निवेश हो गया था, बाकी IMT खाली खेत पड़े हैं। जैसे रोहतक IMT 3700 एकड़ की देश की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में हमने विकसित करने का हमारा एक सपना था। मैं इसीलिए ये बातें लेके जाता हूँ कि जब एक इंच हाईवे नहीं, एक इंच सड़क नहीं, एक कोई कॉलेज में कमरा नहीं, एक कोई नया अस्पताल नहीं, एक कोई नया उद्योग नहीं, एक कोई इंच रेल की लाइन नहीं, तो जब विकास की तरफ आपका ध्यान ही नहीं, 5 साल ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर आई, ना विकास की तरफ ध्यान, ना एजेंडा, ना विकास का एजेंडा,
तो ये 5 साल तो काम चल गया, क्योंकि हरियाणा का काम हमारे लोकसभा क्षेत्र का और हरियाणा का काम इसलिए चल गया कि एक योजनाबद्ध तरीके से 9 साल हरियाणा को आगे लेके जाने के प्रयास हुए थे, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को आगे लेके जाने के प्रयास हुए थे। आने वाले समय में अगर इस तरह की सरकार, जिसका काम विकास का एजेंडा में ही नहीं हो जिस सरकार का, वो हरियाणा को मैं समझता हूँ बहुत नकारात्मक दिशा में लेके जा सकती है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, जो सड़कें बनी थी इन्होंने उन सड़कों में थेकली लगाने का तक का काम पिछले 5 साल से नहीं किया। और ये मैं कह नहीं रहा, आप रोहतक में घूम के देखिए, आपको इस बात को साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने इतने सारे काम गिनवा दिए, लेकिन मैं एक आरोप आपको बता, मैं तो और गिनवा दूँ। ये तो मैं केवल एक संक्षिप्त की वजह से, आप खेल की देखिए, हमारे समय 120 स्टेडियम बने गाँव से लेकर, और रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम जो एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है उससे लेकर गांव स्तर के स्टेडियम तक 120 स्टेडियम बने। बीजेपी के 5 साल में पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बनाम एक स्टेडियम। स्कूल के अपग्रेड की मैं बता दूंगा आपको, हमारे समय 257 स्कूल अपग्रेड हुए, भाजपा के 5 वर्ष में एक स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुआ। 4 स्कूल जो अपग्रेड थे उनको तोड़ने का काम हुआ। आप किसी क्षेत्र में पूछें, मैं हर क्षेत्र का आपको खोल के दे सकता हूँ, मगर संक्षिप्त के लिए मैंने जो है पूरी बात आपको जितनी मैं सिर्फ आपको एक आरोप गिनवाता हूँ। आपने इतना सब कुछ बनाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन आरोप लगा कि बहुत कुछ आप लोगों ने जला दिया या आप लोगों ने जलवा दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हमारे प्रदेश में हमने देखी है। ऐसा समय हमको बीजेपी ने दिखा दिया इस प्रदेश में जो कभी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करो तो रूह कांपने लगती है, आत्मा अंदर से कांपने लगती है। ऐसा समय हमको दिखा दिया बीजेपी ने। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सफलता जो अपनी सरकार की मैं मानता हूँ, 9 वर्ष हमारी सरकार रही, 9 वर्ष की सरकार रही, कोई आरोप लगा हो जात पात का आरोप नहीं लगा, भाईचारे पर कभी आँच नहीं आई, कभी पुलिस या फौज की गोलियों की आवाज़ हरियाणा के अंदर नहीं सुनाई दी। मगर भाजपा ने देखिए क्या किया, पूरी तरीके से भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा सरकार इसके पीछे पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं 3-4 आपसे सवाल पूछता हूँ जो बीजेपी सरकार को जिसका जवाब देना चाहिए। ये जो हम पे आरोप लगाते हैं, हम पे लगातार जो आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, पुलिस आपकी, आर्मी आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, जिला प्रशासन आपका, मुख्यमंत्री कार्यालय आपका, फिर भी 3 दिन तक रोहतक में, झज्जर में ना पुलिस थी, ना आर्मी थी, ना जिला प्रशासन था। 3 दिन तक हमारे इलाके को छोड़ के सारे चले गए थे। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो क्या हमारी जिम्मेदारी है? कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? कौन गृह मंत्री थे जिनके नीचे सारे अधिकारी थे? वो अधिकारियों से पूछे, वो अधिकारियों का क्या कहना है, उनको क्या आदेश मिले थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप रोहतक की बात कर रहे हैं, पंचकुला किसने जलवाया? पंचकुला के अंदर किस तरीके से 40 से ज़्यादा लोग फौज की गोली से मारे गए? पंचकुला कैसे जला? हिसार कैसे जला? बाबा रामपाल प्रकरण के अंदर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वहाँ भी हम जिम्मेदार हैं? आप विपक्ष पे आरोप मढ़ने का काम करेंगे? तीसरा प्रश्न, बीजेपी ने जांच के लिए एक आयोग बिठाया, प्रकाश सिंह कमेटी को बिठाया। प्रकाश सिंह जी की साख है इस देश में, ठीक है, वो भाजपा के करीबी हो सकते हैं और भाजपा ने उस वजह से उनको बिठाया था, बीजेपी सरकार की जांच थी, मगर प्रकाश सिंह जी की एक साख है देश में, उन्होंने जांच करी, 600 पेज की रिपोर्ट आई, 600 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी हुड्डा साहब का नाम, एक अक्षर भी हुड्डा साहब के बारे में नहीं लिखा गया। और उसी रिपोर्ट में भाजपा के एक सांसद का नाम आया जिन्होंने भड़काने के, लोगों को भड़काऊ भाषण दिए, आज वो बीजेपी छोड़ चुके हैं। उसमें भाजपा के मंत्रियों का नाम आया, जो मंत्री इसमें शामिल पाए गए, उसके अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी तरह जिम्मेदारी मानी गई, पूरी सरकार की विफलता मानी गई। जिस दिन वो रिपोर्ट आई थी, अगर नैतिकता होती इस संसार में, कहीं नैतिकता होती, तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी को और भाजपा की सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर जब उसे वो रिपोर्ट आई, वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई, उस रिपोर्ट का अता पता ही नहीं लग रहा, वो रिपोर्ट कहाँ चली गई। चौथा सवाल, किसने इस दंगों के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया इस प्रदेश में? कौन प्रयास कर रहा है? कौन इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है? कौन सा दल, कौन से नेता? इस बात को भी प्रदेश की जनता समझती है, प्रदेश के समझदार लोग समझते हैं
कि इसके पीछे क्या राजनीति है। और मैं समझता हूँ समय आने पे जिन लोगों ने इस तरह के प्रकरण पे जिसमें लोगों को जान माल का इतना व्यापक नुकसान हुआ हो उस पे जिन लोगों ने राजनीतिक अपनी राजनीति की रोटी सेकने के काम किए हों समय आने पे प्रदेश की जनता वोट की चोट से उनको जवाब देने का काम करेगी। एक कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन एक ऑडियो भी आई थी उन दिनों, वो आपके परिवार के करीबी थे, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी थे, उसका जिक्र आपने नहीं किया। उसका हमने वहीं तभी जिक्र किया था और लगातार जिक्र किया था कि जांच कराओ, अगर कुछ गलत है, किसी ने भी गलत किया है, जांच कराओ, किसने गलत किया है कार्रवाई करो। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? 3 साल से स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं दी कोर्ट के अंदर उस मामले में। आप जांच कराओ, चाहे वो हो चाहे कोई और हो, हमारा स्पष्ट स्टैंड है, आप जांच कराओ और जिस जो जो इसमें कहीं भी अगर कोई पाए गए सबके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारे एक रोहतक शहर के मंत्री हैं, उनके गनमैन दुकानें लूटते पाए गए थे, गनमैन के रिलेटिव थे शायद, गनमैन थे कि गनमैन के रिलेटिव थे, दुकानें लूटते पाए गए थे, वो क्यों नहीं, उसकी उनकी FIR कैसे रद्द हो गई? रोहतक के दंगों का आपने जिक्र किया, लेकिन पंचकुला को इसके साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं? पंचकुला बिल्कुल एक अलग घटना थी, रोहतक एक अलग घटना थी। नहीं देखिए, अलग घटना थी, मगर आप अगर आप प्रदेश की मशीनरी का फेलियर देखिए तो मैं दो तीन पॉइंट कहना चाहूँगा इसमें। पहली बात, जहाँ तक रोहतक की बात थी, 12 से आंदोलन जो चल रहा था, 12 फरवरी 2016 से वो आंदोलन बेकाबू होता जा रहा था, सारे हाईवे जाम थे, रोड जाम थी, एक कहीं ना कहीं संदेश जा रहा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उस समय प्रशासन खां सोया हुआ था और जब अंततः हिंसा भड़की 16 तारीख को, उसके 3 दिन तक ना पुलिस थी ना कोई फोर्सेस थी, इसको एक तरीके से एक संदेश दिया जा रहा था कहीं ना कहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं और जो है आप कुछ भी करके जो है आप इसमें से दूसरी तरफ जहां तक पंचकुला की बात थी, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, जो पंचकुला में तो और भी स्पष्ट था। पंचकुला में तो इनके मंत्री खुले तौर कह रहे थे कि आस्था पे धारा 144 लागू ही नहीं है, 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया पंचकुला में और कह रहे थे आस्था पे लागू ही नहीं है, उनके खाने का इंतजाम कर रहे थे, भजन कीर्तन उनके साथ जाके बोल गा रहे थे और उनको ये भी पता था सरकार को कि किस दिन किस जगह और किस समय दंगा भड़क सकता है। जजमेंट आनी थी कोर्ट की, पंचकुला कोर्ट में जजमेंट आनी थी, कोर्ट के आगे लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब सरकार को ये पता हो कि किस दिन किस समय ये जो है अब हालात कौन लोग करेंगे और वो लोग सामने हैं, तो फिर तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे नहीं होती। तीसरा पैरेलल, प्रकाश सिंह कमेटी ने 2016 के दंगों को देखा और सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार पाया, मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को पूरी तरह जिम्मेदार पाया। पंचकुला के अंदर हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया जिसमें मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री कार्यालय को और प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री को जिनके वहां पे बयान आए थे, इनको जिम्मेदार पाया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने। यहाँ पे जब आपकी अथॉरिटीज भी आपको जिम्मेदार पा रही हैं मगर सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा, जू तक सरकार के कान पे रेंग नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई मेरे दिमाग में कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, पूरी तरह भाजपा सरकार की विफलता की वजह से हरियाणा एक नहीं बार बार जला इनके प्रशासन काल में, और जो हरियाणा के अंदर ये इतना बुरी तरह कानून व्यवस्था की विफलता हुई, जान माल का नुकसान हुआ, इस पे बीजेपी ने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जो कि एक उससे भी बड़ा पाप है। और तीसरा बड़ा पाप है अपने दोष अपनी विफलता को विपक्ष के ऊपर मढ़ने के प्रयास किए। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इस आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का हिसाब बीजेपी से लेगी। आप कंफ्यूज नहीं हैं लेकिन हम लोग या बाकी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब रोहतक का इंसिडेंट था, आरक्षण आंदोलन के दंगे थे, उस दौरान एक ऑडियो भी आई थी, क्या उससे कंफ्यूज नहीं हुए आप लोग? देखिए, जब ये ऑडियो आई थी उसी समय हमने खुल के कहा, जिस ऑडियो का बीजेपी वाले बारी बारी जिक्र करते, कि आप कराइए जांच,
आप जांच कराइए, कोई भी इसमें अगर कहीं भी दूर दूर तक किसी पे शंका भी है तो जांच कराइए आप। 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, कहाँ है वो जांच, कहाँ है कार्रवाई, उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी आज के दिन कोर्ट में नहीं पहुंची उस मामले की। तो मैं समझता हूँ कि आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, निष्पक्षता से जांच हो, कोई भी इसमें शामिल है कार्रवाई हो। सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो जो इनके पीछे इस दंगों में शामिल हैं, सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, मैं बचपन से उस शहर में पला बड़ा हूँ, वहाँ की भाईचारे की संस्कृति मेरे लिए कितनी महत्व रखती है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अरे हमें ये पता ही नहीं होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे रोहतक में कि कौन किस जाति से है, कौन किस घर से है। आपस में हमारे जो दोस्त हैं हमें इस बात की कभी जानकारी नहीं। 10 साल हमारी सरकार रही, अपने 70-80% कार्यकर्ताओं का ही नहीं ज्ञान कि कौन किस जाति से है, कौन किस नहीं, ना कभी पूछने की आवश्यकता ज़रूरत समझी। तो उसको कितना नुकसान हुआ उस सामाजिक ढांचे को, सोशल फैब्रिक को, उसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं ये मांग भी करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ एक एक व्यक्ति जो इसमें पीछे शामिल है उसका पर्दाफाश हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। मगर झूठे आरोप लगा के सरकार अपने दोष, अपनी विफलता, अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर आरोप मंड के अपनी राजनीतिक रोटी सेके और बच जाए, मैं समझता हूँ ये जो है ये भी हमारे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक स्पष्टता हम जरूर चाहते हैं क्योंकि सरकार तो आरोप लगा ही रही है, बीजेपी के नेता लगा ही रहे हैं और ये बार बार हो रहा है, चुनाव के दौरान ये एक बार फिर होगा। आपसे जानकारी ये चाहते हैं, क्या आप लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई 2016 के बाद से किसी तरह की कोई पूछताछ या किसी तरह का कोई संपर्क इस बारे में जानकारी लेने के लिए, पूछताछ के लिए किसी भी एजेंसी ने किया है? प्रश्न ही नहीं उठता। और जो है वही, यही तो एक सबसे बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूँ कि ये सारा जो खेल है एक राजनीतिक खेल है, भाजपा ने इस पर बहुत राजनीति करी है, प्रदेश की राजनीति को एक नकारात्मक दिशा में ये लोग लेके गए हैं। ये तोड़ने की बात करते हैं, इस चुनाव में हम जोड़ने की बात करके इसका जवाब देने का काम करेंगे। इनकी विचारधारा तोड़ने की है, हम जोड़ने की बात करेंगे। ये झूठ बोलेंगे तो हम सच्चाई लोगों के सामने लेके जाएंगे और सच्चाई से और जोड़ने की विचारधारा से भाजपा की विचारधारा का मुकाबला करेंगे। ऑडियो का जिक्र आपने किया, ऑडियो को लेकर एक टाइम पे आपका स्पष्टीकरण माना भी जा सकता है, लेकिन एक वीडियो तो सामने आई है और वीडियो में तो आप खुद हैं और आपके ऊपर आरोप ये है कि आप एक जाति विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं और उस जाति विशेष के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि भाजपा का प्रचार विभाग कितने निम्नतम स्तर पर गिर सकता है, ये इसका उदाहरण है। पहली बात तो मेरी एक स्पीच को एडिट करके, मॉर्फ करके, कट करके गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, और उसके ऊपर मैं ये भी कहूँगा फिर भी उसको इन्होंने इतना प्रयास किया एडिट करने का, फिर भी इतने मूर्ख है लोग उसको एडिट पूरा कर भी नहीं पाए। उसमें मैं स्पष्ट रूप से मैं क्या कह रहा हूँ, गुजरात मैं पूरी मेरी आप स्पीच सुनिए, मैंने कहा है कि जो भाजपा वाले गुजरात से भाईचारा तोड़ने का मॉडल लेके देश में आ रहे हैं उनको वापस गुजरात भेजेंगे। गुजरात से कौन आया हरियाणा में? गुजरात से कोई विशेष समुदाय गुजरात से आया या नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आए हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आए हैं और वो भाईचारा तोड़ने का मॉडल लेके आए हैं। और आज भी मैं उन बात कहना चाहता हूँ कि उस तरह का मॉडल हरियाणा में नहीं चल सकता, इस देश में भी नहीं चल सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एडिटिंग की बात है, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, ये किस तरह से एडिटिंग करते हैं। आपने राहुल जी का एक बयान देखा होगा, बहुत इन्होंने वायरल कराने की कोशिश करी उस बयान को कि एक तरफ से आलू दूसरी तरफ से सोना। राहुल जी क्या कह रहे हैं आप पूरा सुनिए, उसमें भी राहुल जी ये कह रहे हैं, राहुल जी ने ये कहा उस भाषण में कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा कि मैं एक तरफ से आलू आएगा दूसरी तरफ से सोना। वो नरेंद्र मोदी जी का हटा दिया नाम, सीधा वहां से दिखाते हैं कि मैं एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना लाऊंगा, और वो आज तक वायरल कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा एडिट करके आगे पीछे की स्पीच जिसमें मैं 36 बिरादरी के भाईचारे की बात कर रहा हूँ
और ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि बीजेपी की राजनीति इस भाईचारे को तोड़ कमज़ोर कर रही है, और ये भाईचारे को तोड़ने का मॉडल गुजरात मॉडल है, और इस मॉडल को वापस गुजरात भेजने की ज़रूरत है। वो सारा निकाल के केवल एक छोटा सा पोर्शन डालने की कोशिश की, मगर उसमें भी क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान है इस देश में, उसमें भी गुजरात नहीं हटा पाए। मैं गुजरात से कौन सी जाति विशेष आती है, मैं केवल व्यक्तिगत बीजेपी के बारे में और बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा था। हाँ, जिस तरीके से मैंने उनका नाम लिया, मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी किसी का हमेशा सबका नाम सम्मान से लेता हूँ, उस पर मुझे बड़ा खेद हुआ। मैंने अगले दिन उस पर सार्वजनिक खेद भी व्यक्त किया। मैं इस तरह से किसी का नाम लेने में विश्वास नहीं रखता। बीजेपी वाले, उनकी छूट है, वो किसी को पप्पू बोलेंगे, किसी को हरियाणा का पप्पू बोलेंगे, और हुड्डा साहब के बारे में क्या क्या बोलते हैं वो, कि जो है भाजपा के नेताओं के क्या क्या बयान आए हैं हुड्डा साहब के बारे में कि कल जेल में डालेंगे, परसों जेल में डालेंगे 5 साल तक, उनको पूरी छूट है। मगर फिर भी मैं किसी के व्यक्तिगत, किसी के नाम को हल्केपन से नहीं लेना चाहता। और मगर ये जिस तरह का इन्होंने किया, ये भाजपा के प्रचार विभाग का निम्नतम स्तर का, कि इनका कितना नीचा स्तर है उसको दिखाता है। सबसे दुख की बात इसमें ये है, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ, भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, और भाजपा के भाईचारे को तोड़ने के गुजरात मॉडल के खिलाफ बोल रहा हूँ, और बीजेपी ने मेरी स्पीच को उठाकर, बीजेपी मेरी स्पीच को एडिट करके उसके एक टुकड़े को चलाकर भाईचारे को तोड़ने के प्रयास किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से भगवान बचाए देश, जो है भगवान देश को बचाए ऐसे लोगों से। एक और बयान का जिक्र करेंगे सर, मतलब वो आलू वाला बयान आपने खुद ही जिक्र कर दिया, एक आलू वाला बयान आपका भी है, उसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, भाजपा की जो सोशल मीडिया है वो देश को कहाँ लेके जाएगी, उसका कोई हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, एक नीतीश कुमार जी ने एक बात की थी कि बिहारी इतना ज़्यादा, जो बिहार से लोग आते हैं, बिहारी इतना ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर फैलने में, पूरे देश के अंदर फैलने में, अलग अलग जाके अपनी रोजी रोटी कमाने में इतना सक्षम है कि बिहारी चांद पे भी मिल जाएंगे। अब चांद पे जाके खोजिए कोई बिहारी मिलेगा कि नहीं, एक कहने का लिहाज होता है। सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में ये कहा कि मैकडॉनल्ड्स को इतना बड़ा आलू चाहिए कि वो अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इस देश में FDI और मैकडॉनल्ड्स की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसके जवाब में कहा कि जितना बड़ा आप आलू चाहो उससे दुगनी साइज का आलू हम बना देंगे, हरियाणा का किसान इतना सक्षम है कि अगर अमेरिका में पैदा हो सकता है तो हरियाणा में पैदा कर देंगे। ये मेरा कहने का एक बातचीत करने का तरीका था, उसके साथ भी वही किया, वो दो ही लाइन चलाते हैं। तो दुख की बात यह है कि बहस इस पे बात मुद्दों पे होनी चाहिए या इन बातों पे होनी चाहिए। आज भाजपा के प्रचार विभाग को आत्मंथन करने की आवश्यकता है कि वो देश में किन मुद्दों पे बहस चाहते हैं। ऐसे मुद्दों पे अगर बहस में हम उलझे रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। बहस एक मुद्दे पे और हो रही है सर, राष्ट्रवाद पे, और रोहतक में भी जिक्र है, क्योंकि हम रोहतक में हम लोगों ने जब बात की तो ख़ास तौर पे ये हमें भी मालूम चला कि आपके खिलाफ वो उस तरह की नेगेटिविटी नहीं है जिस तरह से होता है कि एक पार्टी के दिमाग में दूसरे अपने प्रतिद्वंद्वी को लेकर होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेके लोगों में ये विज़न है या फिर ये आकर्षण है कि राष्ट्रवाद को लेके हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, राष्ट्रवाद के हित में हमें राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी को वोट करना है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरा ये मानना है, पहले दिन से मेरा स्टैंड है कि इस देश की रक्षा, सुरक्षा और फौज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की जो सेना है वो देश के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, देश का इतिहास ये बताता है कि अगर देश के दुश्मन ने हमारी तरफ गलत नज़र से देखा है तो हमारी देश की फौज ने उसके दांत खट्टे करने का काम किया है। 1965 की का युद्ध हो, भारत और पाकिस्तान का, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जय जवान जय किसान का नारा लाल किले से गूंजा था, जिसकी गूंज से पाकिस्तान के आखिरी गांव तक खड़ा पाकिस्तानी उस नारे की गूंज से कांपा था। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, जब पाकिस्तान की सर्जरी करने का काम हमारे देश की फौज ने किया था, इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का काम
तो दुनिया में आज तक ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। इंदिरा जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार थी उस समय हमारे देश की फौज ने किया था, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही थी उस समय कारगिल के अंदर टाइगर हिल के पे पाकिस्तान के दांत खट्टे करके टाइगर हिल पे अगर तिरंगा फहराने का काम किसी देश की फौज ने किया था तो हमारी देश की फौज ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा देश की सरकार चल रही थी, चाहे वो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो, यूपीए के समय की सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो पुलवामा के बाद, देश के दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम हमने एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। देश की फौज सक्षम है, आज सक्षम हुई है ऐसा नहीं, हमारा गौरवशाली इतिहास है, स्वर्णिम भविष्य है। भाजपा की सरकार रहे ना रहे, हमारी देश की फौज देश के दुश्मन को शिकस्त देने में सक्षम है, मगर देश की फौज है, किसी पार्टी की फौज नहीं है। मैं इस बात पे आपत्ति करता हूँ जो योगी आदित्यनाथ जी ने बात की कि ये बीजेपी की फौज है, मोदी की सेना, ये जो बताया मोदी की सेना बीजेपी की सेना, मैं उस बात पे आपत्ति करता हूँ। क्योंकि जब हमारे नौजवान भर्ती होने जाते हैं, हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, जब हमारे भाई नौजवान भर्ती होने जाते हैं तो बीजेपी की सेना में भर्ती होने नहीं जाते, वो भारत माता की सेना में भर्ती होने जाते हैं। ये भारत माता की सेना है हर सैनिक के दिल में, चाहे वो किसी धर्म से आया हो, किसी जाति से आया हो, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए परिवार से आया हो, हर सैनिक के दिल में जय हिंद धड़कता है, मगर वो भारत माता की सेना में काम कर रहा है, वो सैनिक हमें सुरक्षा देने का काम कर रहा है, वो बीजेपी की या किसी राजनीतिक दल की सेना में नहीं कर रहा। ये फ़र्क है उनकी विचारधारा में और हमारी विचारधारा में। दूसरा फ़र्क ये है, दोहरी राजनीति इस देश में, दोहरी राजनीति बहुत हो रही है। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर बीजेपी ने आतंक खुल के आतंकवादियों का पक्ष लेने वाली महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार क्यों बनाई? 5 साल तक पत्थरबाजों से श्रीनगर में हमारी फौज का तिरस्कार क्यों सहन किया गया? 5 साल तक श्रीनगर में सत्ता का सुख भोगने के लिए हमारी फौजियों पर कार्रवाई क्यों की गई? 302 और 307 के मुकदमे हमारी देश की सेना पे क्यों बने? और उसके बाद मोदी जी ने कश्मीर में जाके ये कश्मीर की वोट पाने, कश्मीर वासियों की वोट पाने के लिए कश्मीर के चुनाव में मोदी जी ने ये क्यों कहा कि कश्मीर वासियों देखो उदाहरण 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हम, मैंने हिंदुस्तान की फौज पे मुकदमे बनवा दिए 302 और 307 के पत्थरबाजों पे कार्रवाई करने पे, मोदी जी ने अपने भाषण में ऐसा क्यों कहा? मैं समझता हूँ ये देश की फौज की का जो एक जगह आप तिरस्कार करो, दूसरी तरफ देश की फौज की कुर्बानियों पे उसके खून पे का राजनीतिकरण करो, ये जो दोहरे मापदंड हैं ये स्वीकारनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। आप लोगों से अपील वही है कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सर।